राम राम राम। नमस्कार, एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली सातवीं चयन प्राइमरी माध्यमिक कुछ माध्यमिक सीटेट बीटेट एसटेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सातवीं चयन के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख लोगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री जी का बड़ा बयान जो कि आज भी सुर्खियों में बनी हुई है। कई हेडलाइन हैं, बिहार में बड़े पैमाने पर होगी शिक्षकों की बहाली, बिहार में बड़ी संख्या में होगी शिक्षकों की बहाली, बिहार में बम्पर बहाली, तो इस टाइप के हेडलाइन आज सुर्खियों में है। हेडलाइन बनी हुई है, कई प्रकार की हेडलाइन। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी जानकारी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो कई लाख बहाली होंगे, तो ये बातें स्पष्ट हो रही है बिहार के मुख्यमंत्री के माध्यम से। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक शुभ संकेत है, जो भी सातवें चयन का इंतजार कर रहे हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। और सचिवालय अपडेट, तो आगे बातें करने वाले हैं। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री जी जो जानकारी स्पष्ट किए हैं, कई लाख बहाली के अलावे यह भी बोले हैं, इससे पहले भी 2.75 लाख शिक्षकों की बहाली की गई है सरकार द्वारा, तो ये भी जानकारी दिए हैं। और इस चरण में भी जो बात कर रहे हैं सातवें चरण में भी 2 लाख से भी अधिक पदों पर होगी बहाली, जो बातें इसके लिए विज्ञापन जारी होंगे, लेकिन बहाली कितने पदों पर होगी वो तो देखना होगा, बाद में स्पष्ट होगा। लेकिन 2 लाख पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन 2 लाख से अधिक पदों के लिए जारी होंगे, जो कि बिहार बजट, जो शिक्षा बजट के दौरान भी बातें स्पष्ट हुई है। प्राइमरी के लिए 80,000 पद, जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए 1,30,000 से अधिक पद होंगे, 1,30,000, जैसे कि 44,193 पद माध्यमिक के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए 89,734 पद, इसको आप लोग जोड़ेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षक के 8,360 पद, 7,360 पद, और इसके अलावा 1,000 जो कि 33,916 पद में 1,000 स्वीकृत हुए हैं, तो कुल मिलाकर 8,360 पद हो जाते हैं, 8,360 पद प्लस में बैकलॉग के पद, तो ये हैं। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री जी जानकारी स्पष्ट कर रहे हैं साइकिल पोशाक योजना के बारे में भी, और इसके अलावा जो प्रजनन दर के बारे में जानकारी स्पष्ट कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, जो घटे हैं, जो पहले 4.43 और इसे घटकर 2.9, तो इस टाइप की भी खबरें आई है सामने। और अर्थात शिक्षा के बारे में, महत्व के बारे में इससे स्पष्ट हो रहा है। और आप लोग जानते हैं जो मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग की 2 बार समीक्षा बैठक हुई है, और उसमें भी बातें यही लगभग स्पष्ट हुई हैं, और जिसके कारण जो प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य पूरा हो चुका है, और अपने ही पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई मिले छात्र छात्रा को, खासकर के लड़की के लिए इंटर तक की पढ़ाई मिल सके, तो इसके लिए शिक्षकों की भी बहाली जरूरी है। और उसी निर्देश में मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए हैं, जो कि शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक हुए थे, मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक में, कि जहाँ भी शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षकों की बहाली जल्द हो, ताकि छात्र छात्रा के पठन पाठन में कोई दिक्कत ना हो। तो यही बातें लगभग इधर भी जो स्पष्ट हो रही है, जो कि सुर्खियों में बनी हुई है, और उसमें भी प्रजनन दर के बारे में बातें किए थे, जो कि समीक्षा बैठक में भी, और इधर भी जो कि आज भी सुर्खियों में बनी हुई है, तो वही बातें हैं लगभग। तो देखना होगा कब तक बहाली होती है, सातवीं चयन की बहाली प्रक्रिया कब शुरू होती है। और इससे पहले जो कि आप लोग देख लोगे नई नियमावली के बारे में, तो नई नियमावली के बारे में और जो बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली के बारे में, तो बजट सत्र के दौरान में भी बातें स्पष्ट की हैं। इसके अलावा जो पूर्णिया महारैली में और समाधान यात्रा में टेट पास अभ्यर्थी से भी, तो लगभग उसी टाइप की बातें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, तो आगे भी जानकारी स्पष्ट करते रहेंगे। और आप लोग देख सकते हैं नई नियमावली को कैबिनेट मुहर, तो नई नियमावली को कैबिनेट मुहर आखिर क्या मिल सकते हैं, क्या उम्मीद है,
तो इस टाइप की भी खबरें आज सामने आ रही है कि जो आज कैबिनेट बैठक होंगे और जो नई नियमावली समेत कई जो एजेंडों इस टाइप पर मुहर का जो उम्मीद के बारे में जो कि सुर्खियों में जो कि न्यूज़ के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है, तो देखना होगा। सभी अभ्यर्थी तो उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो देखना होगा कि आखिर क्या होता है नई नियमावली। तो कई बार अभ्यर्थी इंतज़ार किए हैं, उम्मीद किए हैं, लेकिन बाद में जो कैबिनेट बैठक के बाद निराशा ही हाथ लगी है। तो पूरी तरह से उम्मीद आप लोग पूरी तरह से नहीं भी कर सकते हैं, कारण है कि बाद में ज़्यादा निराशाजनक खबर निकल कर सामने आती है जब कैबिनेट पर जो कैबिनेट बैठक होते हैं और बैठक में नई नियमावली पर मुहर नहीं लगती है। जब आप लोग जानते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया कि जो वो साइन कर चुके हैं, जो हस्ताक्षर कर चुके हैं, और इस तरह से कहा जाए तो लगभग नई नियमावली को हरी झंडी शिक्षा विभाग से मिल गई है, अर्थात लगभग तैयार हो चुके हैं जो नई नियमावली है। तो ये बातें स्पष्ट हो रही हैं और अन्य विभाग में ही जो देरी की बातें जो निकल कर सामने आई, और आप लोग जानते हैं वित्त विभाग में और इसके अलावा विधि विभाग का मामला, तो ये सब बातें निकल कर सामने आ रही है। तो देखना होगा आज क्या होता है, आज की बैठक में क्या नई नियमावली पर मुहर लग पाती है या फिर नहीं लग पाती है, वो भी देखना ही होगा। सभी अभ्यर्थी फिर से उम्मीद कर सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं इधर जो कि बड़ी खबर है, आप लोग देख लीजिए, सचिवालय अपडेट, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जिसका था इंतज़ार, सभी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी अब कुछ ही समय के बाद आप लोग देख सकते हैं, कुछ ही समय के बाद आप लोग के लिए जो अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं सातवें चरण का, नई नियमावली का उम्मीद कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और आज की जो खबर में यह भी बातें हैं जो नई नियमावली समेत कई एजेंडे में जो कि वेतन, जो कर्मचारी के, जो राज्य के कर्मचारी के वेतन संबंधी जो डीए हैं, महंगाई भत्ता, तो ये सब के बारे में भी दिया गया कि लग सकते हैं उम्मीद जाहिर किए गए हैं। तो देखना होगा आखिर क्या बातें स्पष्ट होती है, क्या सच में नई नियमावली पर मुहर लग पाती है या फिर आगे सभी अभ्यर्थी उम्मीद करेंगे, तो ये देखना होगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, 27 मार्च सोमवार को मंत्री परिषद की बैठक, जो समय देख सकते हैं आप लोग, समय देख लीजिए आप लोग, या फिर विधानमंडल की बैठक के उपरांत जो भी बाद में हो और कहाँ होंगे ये भी देख सकते हैं, मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, आप लोग उम्मीद कर सकते हैं और आगे देखना होगा आखिर आज जो नई नियमावली पर कैबिनेट मुहर लग पाती है या फिर नहीं लग पाती है। फिर सभी अभ्यर्थी आगे इंतज़ार करेंगे, वो तो आज ही फाइनल होंगे।